नाम से आज तो फ्यूचर बन जाएगा ब्राइट। गोकुल का मंदिर है, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गया माखन चोर। राधे राधे दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको गोकुल लेकर जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। ये जमुना मैया है, यहाँ से वसुदेव जी कृष्ण जी को पलड़ी में डाल के जमुना पार करा के यशोदा के पास लेके गए थे। और ये कदम का पेड़ है, यहाँ पर कृष्ण जी बैठ जाते थे जब गौवा चराने आते थे, तो शाम को ये बंसी बजाते थे, गौवे अपने आप ही आ जाती थी। श्री कृष्ण भगवान की जय। ये स्थान पर जहाँ हम लोग आए हुए हैं, ये स्थान को बोलते हैं ब्रह्मांड घाट। यहाँ भगवान श्री कृष्ण 4 साल की अवस्था में सबसे पहले रोज यहाँ नंद बाबा की 9 लाख गाय चराने के लिए आई। नंद बाबा की 9 लाख गाय चरने के लिए जंगल में छोड़ दी, अपने बाल सखाओं के साथ खेलने लगे। बाल सखाओं के साथ खेलते खेलते भगवान ने मिट्टी खाया। हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं, छोटा सा माटी का डेला और परत श्याम ने मुख में मेला। गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। भगवान ने मिट्टी खाई, उनके बड़े भाई बलराम जी ने दाऊ जी ने आकर के यशोदा माता से चुगली किया, माँ तेरा लाला माटी खाता है। यशोदा माँ ने विश्वास नहीं किया, कहने लगी मेरे घर में 9 लाख गाय है, घी माखन दूध का कोई कमी नहीं, मेरा लाला माटी नहीं खाएगा। जब बार बार शिकायत किया है तो यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को कमल की लकड़ी लेकर के यहाँ घाट पर मारने के लिए आई। लाला से पूछा, लाला तुमने माटी खाई? लाला ने जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो कौन सा दिया। कहते हैं बाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटाई, यशोदा सुन माई मैं नहीं माटी खाई। मैं नहीं का ऐसा शब्द है, अर्थ है कि इसमें दोनों ही शब्द छुपे हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि माँ मैंने माटी खाई है, और एक शब्द समझो तो ये भी होता है मैं नहीं माटी खाई, तो वो ये भी कह रहे हैं मैंने माटी नहीं खाई है। तो यशोदा माता ने कहा कि अपना मुंह खोल करके दिखाओ, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह जब खोला है, दोनों हाथ ऊंचे किए हैं, जोर से हंसे, मुंह खोला, मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दर्शन कराया, धरती आकाश पाताल सूरज चंद्रमा, और दूसरा यशोदा माता को अपने मुख के अंदर दर्शन कराया है। तो यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया कि मैं तो इसको अपना बेटा समझ करके पाल रही थी, ये तो कोई साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर। ये घाट का नाम हुआ ब्रह्मांड घाट, भगवान का नाम हुआ ब्रह्मांड बिहारी। सब लोग घाट मलाई गोकुल की लस्सी, गोकुल के ग्वाले और माखन वाले, गोकुल के ग्वाले, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गया माखन चोर। मक्खन की नगरी है ये। अरे ग्लास दिखाना जरा, ग्लास एक और दे दो, जो पिएगा लस्सी वो जिएगा 180। आप भी लेना है, जिएगा 180। गोकुल का मंदिर, कृष्ण जी का जहाँ 84 खम्बे हैं, और वो पापा पहिया कृष्ण कन्हैया करके हम जाते हैं। मंदिर यमुना मैया की जय। देखिए ये वाले स्वरूप से लेकर के श्री कृष्ण के पिता वसुदेव रात्रि के 12 बजे यमुना नदी के किनारे किनारे सामने से नदी पार करके पीछे में रास्ते को बोलते हैं चोर रास्ता।
इस रास्ते से लेकर के भगवान श्री कृष्ण को यहाँ नंदन के घर में छुपाने के लिए आए हैं। ये 84 खंबा है गोकुल में जहाँ बांधा था कृष्ण जी को। नंद बाबे का महल जहाँ भगवान छोटे से बड़े हुए उसको बोला जाता है 84 खंबा। यहाँ कृष्ण के बड़े भाई दाऊद जी का जन्म यहाँ गोकुल में हुआ है, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। डिजाइन अलग अलग है, ऊपर वाला छत और ये खंबे उसी समय के हैं, बाकी जो भी कुछ देखेंगे वो सब नया है। यहाँ पे रेत को इकट्ठी करके कृष्ण जी के पाँव के निशान बनाते हैं और मिट्टी में लोटते हैं। देखो कैसे लेट रही हैं। ये भी रमन वृत्ति में ही फट है। ये भी आगे 4 से 5 इधर है, ऋषि है ना, ऋषियों की है ये फट। ये रमन रेती भगवान जी है। यहाँ पे सारे पहले मिट्टी में लेटते हैं, फिर उसके बाद माथा टेकते हैं। कहते इसमें लेटने से सारे बीमारियां वगैरह दूर हो जाती हैं। आजा 30 रुपए का फ्रूटी और बातें होंगी स्वीटी भाई, 15 रुपए का कोक और आपको सुनाऊंगा मैं आज अच्छी जो 20 रुपए का स्प्राइट, कसम से आज तो फ्यूचर बन जाएगा ब्राइट। 20 रुपए का पानी और बन जाएगी जिंदगानी, आज सारी दुनिया हो जाएगी आपकी दीवानी। भैया हमें पता ही था पानी से बन जाती जिंदगानी। चलो इसी में तो रहस्य है या सबसे बढ़िया ही कुछ भी अगर हो पाना हमारे पास नहीं है, ये चलती फिरती दुकान है, कुछ लेकर जरूर जाना। भाई चिप्स कुरकुरे खाइए और सेहत बनाइए। कहाँ आना पड़ेगा उसके लिए आपको गोकुल में आना पड़ेगा और हमारे यहाँ से कुछ थोड़ा सा माल जरूर लेके जाना पड़ेगा। हाँ भी सारा कुछ ले लो भी भैया, थोड़ी बारी भैया, थोड़ी बारी गोकुल में आइएगा तो हमारे भाई साहब से सब सामान लेके जाइएगा, सामान इनका बढ़िया, प्लीज आइए वेलकम। इनका सामान जो एक बार आएगा वो बार बार आएगा। राधे राधे दोस्तों, आज हमने गोकुल घूमा, गोकुल में हम नंद बाबा के भवन देखा, 84 खंभे देखे, यमुना मैया का मंदिर देखा, वहाँ हमने थोड़ी पूजा अर्चना की। उसके बाद हम लोग रमन रेती गए, रमन रेती में हमने मिट्टी में जो वहाँ पे कहते हैं कि उसमें थोड़ा मिट्टी से खेलो वहाँ पे, वो अच्छा होता है, जितनी शरीर पे लगेगी उतनी सभी बीमारियाँ वगैरह दूर होती हैं। वहाँ मंदिर थे छोटे छोटे वो देखे और पार्क देखा, छोटा सा मोर है उसमें हिरण है वो सब देखे। अब हम जा रहे हैं वृंदावन प्रेम मंदिर में।